हेलो स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग लेसन 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 39. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न्ड अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. It causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. How can this problem be solved? यहाँ बताया जा रहा है, जैसा कि हमने देखा प्रीवियस वीडियो में, कि जो प्लास्टिक है उनको कई साल लग जाते हैं, सेवरल ईयर्स, ठीक है, डिकम्पोज होने में, खराब होने में. तो ये जो है एनवायरमेंट के साथ फ्रेंडली नहीं है, प्लास्टिक्स जो है फ्रेंडली नहीं है एनवायरमेंट के साथ, ठीक है. तो इससे क्या होता है एनवायरमेंट में, पॉल्यूशन होता है. और दूसरी तरफ अगर हम इसको जलाते भी हैं, कुछ ऐसे हैं सिंथेटिक मटेरियल, अगर इनको हम जलाते हैं तो ये पूरी तरह से बर्न नहीं होते हैं, और अगर हम इनको बर्न भी करते हैं तो बहुत सारे पॉइजनस फॉर्म्स जो है इससे रिलीज होते हैं, ठीक है, निकलते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और फिर एयर पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, ठीक है. अब यहाँ देखें, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल आर ईटिंग गार्बेज. इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे स्वालो मटेरियल्स लाइक पॉलिथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड. कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस, द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स अ lining in their stomachs and can be the cause of their death. The polybags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains. Too, sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the road or in parks or picnic places. Should we not think twice before doing so? As a responsible citizen, what measure do you suggest to keep public place clean and free of plastic? तो यहाँ बताया जा रहा है कि क्या अभी आप कभी आपने देखा है जो garbage होता है, eating garbage, है ना, उसको हम एक जगह पर फेंक देते हैं जहां पर eating garbage के साथ साथ plastics भी होती हैं, ठीक है. और जब कोई animal वहां खाने जाता है उसको, है ना, तो कई बार क्या होता है कि खाने के साथ साथ वो पॉलिथिन जो बैग होते हैं वो भी खा लेता है, पॉलिथिन भी खा लेता है. उससे क्या होता है, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो चोक हो जाता है और जाके उनके स्टमक में जाता है, और स्टमक में जाने की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है पॉलिथिन की वजह से, ठीक है. और कई बार क्या करते हैं, पॉली बैग्स इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, ठीक है, इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, तो उड़ उड़ के वो कहाँ चले जाते हैं, नालियों में चले जाते हैं, ड्रेन्स में चले जाते हैं, ठीक है. तो उससे क्या होता है, वो ब्लॉग होने लगती हैं, है ना. और कई बार क्या करते हैं कि हम लोग बहुत केयरलेस तरीके से रैपर्स, चिप्स के रैपर्स, बिस्किट के और भी अदर ईटेबल्स रैपर्स जो होते हैं उनको हम कहाँ, ईटेबल्स मतलब फूड के जो रैपर्स होते हैं उनको हम रोड में या पार्क में या पिकनिक प्लेसेस में फेंक देते हैं, ठीक है. तो इससे डबल पॉल्यूशन होता है, ठीक है. तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, है ना, हमें क्या करना चाहिए पब्लिक प्लेस को क्लीन रखने के लिए, ठीक है, और प्लास्टिक से मुक्त रखने के लिए, फ्री रखने के लिए, ठीक है. नाउ अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल. तो यहाँ आंसर दिया जा रहा है कि हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, प्लास्टिक वाली ये प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व की जा सकती है. तो हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, प्लास्टिक का यूज बंद करके, है ना, उसका यूज बंद करके बैग्स बनाए किसके, कॉटन या जूट के, है ना, जहां भी हम शॉपिंग के लिए जाएं तो वो बैग लेकर जाएं, ठीक है. और बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो नगर पालिका के द्वारा कलेक्ट कर लिए जाएं सेपरेटली और उनको डिस्पोज कर दिया जाए, ठीक है. और इसी तरह की एडवाइस आप अपने आस पड़ोस में भी दें और सभी को दें. इससे क्या होगा, प्लास्टिक का यूज
बंद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, घर में प्लास्टिक मटेरियल्स भी तो यूज होते हैं, है ना, प्लास्टिक से बने कंटेनर्स वगैरह यूज होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि उनको उनका यूज कम से कम करें। ठीक है, और ये ज्यादा बेहतर होगा कि ये जो पॉलिथिन्स होता है, पॉलिथिन्स होती हैं जो यहाँ वहां फिकी पड़ी रहती हैं, या बहुत सारी चीजें, है ना, मतलब चिप्स के रैपर्स और ये सब रैपर्स वगैरह जो हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट करके उनको रिसाइकल कर दिया जाए और उनसे कुछ कंटेनर्स वगैरह बनाए दिए जाए, है ना। तो उससे क्या होगा, प्लास्टिक्स बाहर भी नहीं मिलेंगी हमें, इधर उधर देखने नहीं मिलेंगी, ठीक है, और घर में उनका यूज होता रहेगा। ठीक, और बाहर अगर आप कहीं जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए तो कॉटन या जूट से बने हुए बैग का यूज करें। ठीक, सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमेशा ये पांच चीजें याद रखें कि रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। प्लास्टिक को अपन को ये करना है, ठीक है, और ये हैबिट्स जो है डेवलप करना है, जिससे क्या होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकेगा। ठीक है, प्लास्टिक से। ओके, नाउ फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज, ऑन द रोड एंड ऑन द और ऑन द रोड। प्लास्टिक बैग्स जो हैं आप नदी नाले, मतलब इस तरीके की जो चीजें हैं, है ना, या रोड में ना फेंकें। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग व्हाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। ओके, ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, कम से कम यूज करें, यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड ऑफ अ प्लास्टिक वन। ओके, सो इन पेज नंबर 40, व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दिस चैप्टर आर गिवन। ओके, सो रीड दिस।